तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आज ही मैं बात करने वाली हूं एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो पर, जिसके बारे में मेरी बहुत सारी बहनें काफ़ी देर से पूछ रही हैं कि आप ही प्लीज़ इस टॉपिक को कवर कर दीजिए। तो आज ये टाइम आ चुका है। मैं बात करने वाली हूं वैनिटी बॉक्स के बारे में, मेकअप ब्राइडल किट होती है उसके बारे में, या ब्यूटी बॉक्स भी कहा जा सकता है। हम अपनी शादी ब्याहों के लिए बहुत सारी ऐसी मेकअप बॉक्स और ये सारी चीज़ें लेते हैं। ये बरी में भी रखा जाता है और जहेज में भी रखा जाता है, तो ये कंपल्सरी हुआ ना। तो इसमें बहुत सारी स्किन केयर आती है, मेकअप के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कि मैंने आज पूरा दिन लगा कर मार्केट में ये प्रोडक्ट्स खरीदी और अपनी जेब से खरीदी। और उनके बिलिंग जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, काफी सारे बिल्स मेरे पास हैं। और ये तकरीबन कितने का सामान बना है वो बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। और ये सारी चीजें मैंने अपनी पॉकेट से खरीदी हैं। कोई भी एक भी चीज, एक भी सिंगल चीज यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है। सारी की सारी चीजें यहाँ पर लोकल मार्केट की हैं, अफोर्डेबल हैं, रीजनेबल हैं और आपकी पहुंच में हैं और आप इसे यूज कर सकते हो। और ये भी बताऊंगी कि क्या चीजें कंपल्सरी होती हैं और क्या चीजें अननेसेसरी होती हैं, जो कि हम ब्यूटी बॉक्स के अंदर ठूस देते हैं, उनकी जरूरत हमें नहीं रहती। वीडियो में बने रहिएगा, आगे चल के दूसरी बात बताती हूँ, वो बड़ी मजे की और शानदार हो सकती है। दूसरी मजे की और काम की बात यह है कि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। मैंने सारी चीजें अपनी पॉकेट से खरीदी हैं, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, कोई भी चीज इसमें ऑनलाइन नहीं है। और जो आपका दिल चाहे आप लोग ले सकते हो, और जिस चीज को आपका दिल ना माने आप उसे स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को डिफरेंट आइडियाज देने के लिए ये वीडियो शूट की है। और तीसरी मजे की बात यह है कि जो मेरी बहनें मेकअप पर अच्छी खासी ग्रिप रखती हैं, उनका वॉलर है, या वो काफी अच्छी मेकअप क्लासेस ले चुकी हैं, या फिर काफी नखो रखती हैं, या फिर वो इतना अफोर्ड कर सकती हैं कि वो ऑनलाइन चीजें भी बाय कर सकती हैं, या फिर महंगे से महंगा ब्रांड भी अफोर्ड कर सकती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो इसे थोड़ा सा दूर हो जाएं और मेरी किसी और वीडियो पर अपना टाइम दे सकती हैं। नाराज भी नहीं होना, लेकिन आराम ना चुप करके चले जाना। और जो मेरी बहनें जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी और जो दूर दराज के इलाकों में रहती हैं, या फिर छोटे इलाकों में रहती हैं, या फिर अगर हमारी अम्मी या हमारी सासू माँ हमारे लिए इस तरह का वैनिटी बॉक्स डिजाइन कर रही हैं या वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन चीजें लेना या बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स को देखना या करना, रिसर्च करना काफी मुश्किल हो सकता है। वो मेरी बहनें ये वाली वीडियो देखकर लोकल मार्केट से चीजें परचेज कर सकती हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। चलिए जी जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन में 4 से 5 शेड मैंने यहाँ पर दुकान पे निकलवाए थे, लेकिन मैंने साइड पे कर दिया, सिर्फ एक चूज किया। क्यों किया, किस लिए किया, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। इसके अलावा वैनिटी बॉक्स मैंने काफी सारे यहाँ पर देखे थे शॉप पर, और जिसमें से मैंने ये एक ट्रांसपेरेंट लिया है, क्यों लिया है, कितने का लिया है और यही मैंने क्यों चूज किया है, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगी। सारी चीजों को लॉजिक के साथ बताऊंगी ताकि आपकी हर एक चीज पल्ले पड़ जाए और जब आप शॉप पर जाएं तो आप बिला धड़क हर एक चीज बोल कर निकलवाएं और लेकर घर आ जाएं। तो जरूरी नहीं है कि आप यही चीजें लें, आप अपने स्किन के टोन के हिसाब से भी चीजों को थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जी हम शुरू करते हैं ब्यूटी बॉक्स से। यही मैंने क्यों चूज किया, यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट खूबसूरत सा ब्यूटी बॉक्स नजर आ रहा होगा। ये प्लास्टिक शीशा मेड है और काफी मजबूत भी, गिरने विरने पर टूटने वाला नहीं है। हालांकि ये थोड़ा महंगा भी है, लेकिन मैंने इसलिए इसे सिलेक्ट किया कि एक तो नई चीज है और दूसरा इसके अंदर पड़ी हुई प्रोडक्ट्स को बआसानी देखा जा सकता है। उधर शॉप पर कुछ इस तरह के भी पड़े हुए थे जो कि इससे आधी कीमत पर थे। शॉप की वीडियो भी बना ली थी मैंने। ये वाले बॉक्सेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 800 से 1200 की रेंज में है और ये जो मेरे पास है ये तकरीबन 2000 की रेंज में मिल जाएगा। इसके अंदर काफी सारी स्पेस भी मिल जाती है और जैसे हमारे यहाँ कुछ इलाकों में बरी वगैरह दिखाने का या जहेज दिखाने का रिवाज है, तो इस बॉक्स को वहां पर ऐसे ही बंद रखा जा सकता है बजाय इसके कि चीजें निकाल कर दिखाई जाए या फिर इसको ओपन किया जाए। खैर जी, हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। अब मेरी बहनों अच्छी तरह प्रोडक्ट्स देख समझ लेना या फिर लिस्ट बना लेना ताकि कोई भी चीज भूले नहीं। वैसे भी मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो के दौरान ही लिस्ट दिखा दूं। अब आपने श्योर नहीं करना, टीवी की आवाज कम करके मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा। प्रोडक्ट्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, एक हिस्सा मेकअप का है और दूसरा स्किन केयर का। कुछ चीजें अननेसेसरी भी हैं, वो हम साथ के साथ ही अलग कर देंगे और जो चीजें जरूरी होंगे उन्हें ऐड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं जी प्राइमर से। प्राइमर को बेस लगाने से पहले लगाया जाता है ताकि स्किन हमवार हो जाए। आम स्किन पर तो यूज नहीं करते कुछ लोग, पोर्स वगैरह वाली स्किन पर इसे इस्तेमाल किया जाता है और मेरे ख्याल में हमारी दुल्हन के मेकअप बॉक्स में इसे होना चाहिए। मैंने शॉप पर काफी सारे प्राइमर्स निकलवाए थे लेकिन बाकियों की पैकेजिंग पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने मैक का प्राइमर सिलेक्ट कर लिया। जाहिर है हम दुल्हन का ब्यूटी बॉक्स तैयार कर रहे हैं, इसलिए चीजें भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि खूबसूरत भी लगे और शरीकों का मुंह भी बंद हो जाए, समझ रहे हो ना। बाकी इसका जी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, चाहे तो स्किप कर दें या कम रेट वाला भी चूज किया जा सकता है। तकरीबन एक सा ही काम करते हैं। इस मैक वाले की प्राइस 500 के लगभग थी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी और इसे बॉक्स में ऐड कर लेते हैं। बारी बारी बाकी प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ।
दूसरे नंबर पर आती है जी फाउंडेशन, जिसे बेस भी बोलते हैं। लोग स्टिक वाली भी यूज करते हैं, क्रीमी भी, लिक्विड भी, मैट भी। पहले तो ज्यादातर क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक ही यूज की जाती थी, लेकिन अब कुछ लोग नया पसंद करते हैं। मैंने भी शॉप पर काफी सारी फाउंडेशन निकलवाई, ट्राई की और शॉप वाले का काफी सर खपाया। जाहिर है शादी के लिए मेकअप खरीद रही थी और मेरी प्रायोरिटी थी सस्ता लेकिन अच्छा और म्यारी होना चाहिए, इसलिए अपने और दुकान वाले के 2 से 3 घंटे बर्बाद किए। मैं अनुकया नहीं, सोखी नहीं छड़नी मैं तेरी जान। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की नॉट फाउंडेशन। इसमें SPF भी है और पैकेजिंग भी खूबसूरत होने के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी है। और मेरे कंफर्म करने पर पता चला कि तकरीबन हर तरह की लोकल मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है। प्रोडक्ट को देखते हुए प्राइस भी रीजनेबल थे, तकरीबन 750 रुपए। अब इसको रखेंगे जी हम बॉक्स के अंदर। एक बात का खास ख्याल रखना है, जरूर रख लेना इस बात का ख्याल, आपने ये दुल्हन की स्किन टोन को मद्देनजर रखते हुए ही शेड सिलेक्ट करना है। हाँ जी, नंबर 3 चीज जो आ जाती है हमारे पास वो है जी कंसीलर। यहाँ पर मेरे पास 2 कंसीलर हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो फिर आप जो है वो कलर करेक्टिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है कंसीलर उसके ऊपर यूज करेंगे, वरना आपका जो फाउंडेशन और कंसीलर होगा वो बहुत ही ज्यादा केकी हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा ग्रे हो सकता है थोड़े टाइम के बाद। और अपने शेड के अकॉर्डिंग ही लेंगे आप, वो आपको पता होगा, अपनी स्किन के टोन के हिसाब से लेंगे। और सबसे पहले आप इसके साथ कलर करेक्टिंग करेंगे। LA गर्ल का है ये। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ग्लैमरस फेस वालों का बी कंसीलर है और इसको इसके ऊपर लगाकर आप टंटना टंटन हो सकते हैं। हाँ जी, 4th नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी फेस पाउडर, लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर और पता नहीं क्या क्या। ये सारे के सारे मार्केटिंग ट्रिक होते हैं कि अपनी चीज़ को किस तरह से हम लोग सेल कर सकते हैं। इन सारों का काम सेम एक ही होता है, हमारे फेस को केकी होने से बचाने के लिए, हमारे फेस पर जो फाउंडेशन हम लोगों ने लगाया उसको काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और एक ही जगह पर टिका रहने के लिए, ताकि उसके अंदर क्रीज वगैरह ना पड़े। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे पास है बी क्यूट का, ये जो है ऑयल फ्री फेस पाउडर है। आप लोग ये वाला ले सकते हो, आप लोग ग्लैमरस का भी ले सकते हो। वहां पर मैंने काफी सारे देखे थे, साइड पे कर दिया था और ये वाला चूज किया था क्योंकि ये जो है ये अफोर्डेबल है। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पर हमारे पास लूज पाउडर। और लूज पाउडर का मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि इसमें ज्यादा कलर्स वगैरह नहीं होते, ये ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब कि एक ही कलर में होता है ज्यादातर। तो इसको वो लोग यूज कर सकते हैं जो ज्यादा प्रो नहीं होते मेकअप वगैरह में। और जो फेस पाउडर वगैरह होता है इसमें शेड्स आपको मिल जाते हैं अपनी स्किन के टोन के हिसाब से। तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये लिया जा सकता है, और अगर आप ये वाला लूज पाउडर लेना चाहें तो ये भी यूज किया जा सकता है। इसको जैसे यहाँ से हटाऊंगी तो ये अंदर से जो है ना सुराख हो जाएंगे और उसके ऊपर से इसको पफ को रखकर ऐसे प्रेस करने से ये इसके ऊपर आ जाएगा। समझ आ गई, अब आप लोगों ने क्या करना है अपनी जरूरत के हिसाब से लेना है। अगर आपको ये चाहिए फेस पाउडर लें, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर या लूज पाउडर जिसे बोलते हैं वो ले सकते हो। दोनों ही ये अफोर्डेबल है। और ये जो कंपनी है ये है जी एटीट्यूड की। जी नंबर 5 पर आ जाता है आईब्रो पाउडर, और आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपनी वैनिटी में रखने के लिए लाजमी से परचेज कीजिएगा और पाउडर फॉर्म में ही लीजिएगा। जबकि जेल फॉर्म में जो होता है वो मुझे इतना ज़्यादा इजी नहीं लगता लगाना, और अगर आप प्रो नहीं हैं तो पाउडर बेस्ट ऑप्शन है और अपने कलर के हिसाब से लेंगे। ये मार्केट से लेना मैं भूल गई थी, शॉपर वगैरह तो यहाँ पर हर एक चीज़ के पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट से ही मैं लाई हूँ, सही है, दोबारा बता रही हूँ। तो लेकिन ये मैंने घर से उठाया है और मेरे पास यहाँ पर है जी ये स्वीट फेस वालों का। नंबर 6 पर है जी हमारे पास फ्लोरल ब्लूम हाइलाइटर एंड कंटोर। और ये वाला जो कंटोर है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आपको हाइलाइटर भी मिल जाते हैं यहाँ पर, और कंटोर करने के लिए भी आप लोग इस छोटकू सी किट को यूज़ कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर मिरर भी लगा हुआ है, तो आप इस तरह से ये ले सकते हो। अगर आप ये ना लेना चाहें तो आप एक और किट भी यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई है, वो है जी TV पार्लर वालों की। तो ये भी मुझे वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मिली थी, तो ये खुलेगी अब कैसे। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे शेड्स हमें मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो कंटूर के लिए भी, ब्लश के लिए भी और हाइलाइटर के लिए भी। ठीक है, जो अब आपको इजी लगे और आपको बजट फ्रेंडली लगे आप वो ही परचेज कीजिएगा इन दोनों में से। ठीक है जी, अब इनको उठा के रख देते हैं जी साइड पर ताकि अगला प्रोडक्ट देखें। मेकअप की बात हो रही हो तो इस तरह की कलरफुल किट्स ना नजर आए ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो जाए, क्योंकि मैंने बड़े ही सिंपल और सादा से अंदाज में आप लोगों को चीजें समझा रही हूं। अच्छा, ये जो किट है ये आप ग्लैमरस फेस वालों की ले सकते हो। ठीक है, इसमें काफी सारी शेड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपके सूट जो होते हैं वो काफी कलर्स में होते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन चॉइस हो सकती है। मैंने वहां पर टीवी पार्लर वालों की भी देखी थी लेकिन वो नहीं ली मैंने, क्योंकि मेरे पास घर पर भी ये पड़ी हुई थी तो मैंने उसे छोड़ दिया और यहाँ पर आकर आपको अपने पास घर की पड़ी दिखा रही हूँ। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी। और यहाँ पर टीवी पार्लर वालों का ये जो था ना, ये इसकी वीडियो वहां पर शॉप पर बनाना मैं भूल गई थी, ये मैंने लिया था, ये भी लोकल मार्केट से आपको आराम से मिल जाएगा। ये शिमर शेड है और ये आपकी आईज पे आप यूज कर सकते हो। मैंने भी अभी मेकअप में किया था इसे यूज, तो ये एक अच्छी किट साबित हो सकती है और ये दोनों ही अफोर्डेबल भी हैं। ठीक है जी,
इसके अलावा जी आप अपने ब्राइडल किट के अंदर मस्कारा रखेंगे, आई लैश कलर रखेंगे, इसके अलावा आई लैशेस फेक जो आई लैशेस होती हैं उसको रखा जा सकते हैं, साथ में ग्लू रखेंगे। अगर आप लगाना पसंद करती हैं फेक आई लैशेस तब रखिएगा, और अगर नहीं जरूरत है तो इसे स्किप किया जा सकता है, इसे भी स्किप किया जा सकता है। ठीक है जी, जो जो चीज़ें स्किप करेंगे वो मैं इस बॉक्स के अंदर जब मैं डालूंगी ऐड करूंगी तो वो स्किप वहीं से करती चली जाऊंगी, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास व्हाइट कलर की आई पेंसिल है, और ये काफी सारे डिफरेंट कलर्स में आई पेंसिल्स हैं जिन्हें हम अपने लिप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास आईलाइनर पेंसिल है जिसे पेन बोला जा सकता है, और ये बड़ा अच्छा होता है बिगनर्स के लिए, अगर आप मेकअप करना सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो तब आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा ये आंखों को व्हाइट करके दिखाने के लिए व्हाइट पेंसिल आप यूज कर सकते हो मिस रोज की, ये ब्लैक पेंसिल है ये भी मिस रोज की है। ठीक है जी, इन चीजों को आप कर देते हैं साइड पर, और अब मैं दिखाती हूँ जी आपको। इसके साथ साथ आपको मेकअप ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। खैर मैंने ये अफोर्डेबल लेने के लिए ये वाले चूज किए, ये भी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। ठीक है, आप इसे ले सकते हो, और क्योंकि मेकअप ब्रशेस जो होते हैं वो हर एक माँ के बाद चेंज होते रहने चाहिए, क्योंकि वो यूज होने के बाद उनके अंदर इतने बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं ना कि मतलब मेरा दिल उठ जाता है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी आपको एक या दो माह के अंदर लाजमी चेंज कर लेना चाहिए, और वक्तन फवक्तन इनको वॉश भी करते रहना चाहिए ताकि कोई जम्स वगैरह ना आए, वरना बैक्टीरिया इनके अंदर पनपेंगे तो आपके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह खुदा ना खास्ता आ सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम नेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप फेक नेल्स लगाना पसंद करती हैं तो ये इस तरह की जो पैकेजिंग में आपको 150-200 रुपए में इस तरह के फेक नेल्स मिल जाते हैं, ये नेल पेंट्स हैं, और नेल पेंट्स पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। टाइम वेस्ट ज्यादा यहाँ पर नहीं करना चाहती, वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रही, तो आप लोग वो वीडियो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ये नेल पेंट रिमूवर है, और अपने नेल्स को अगर आप नेल पेंट लगाते रहें डेली बेसिस पर और फिर रिमूवर के साथ नमाज वगैरह पढ़ने के लिए उसको रिमूव करें तो इसके अंदर लाजमी कोई ना कोई कोकोनट ऑयल तो नहीं, बादाम का तेल लाजमी इसके अंदर 10 से 12 ड्रॉप्स ऐड कर दिया कीजिए ताकि आपके नेल्स जो हैं वो क्रैक ना हो, टूटे नहीं। ये एक टिप है मेरी तरफ से और लाजमी आप लोग ने इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो हम जी लिपस्टिक के बारे में बात करेंगे। जो रवायती लिपस्टिक्स होती हैं उनसे हटके हम लोग ये वाली किट भी परचेज कर सकते हैं जिसमें हमें 9 से 10 कलर्स एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं, और हमारे सूटों में यही कलर होते हैं पीच, मैरून, रेड, ब्राउन वगैरह, तो आप लोग ये लेकर यूज़ कर सकते हो। इसके साथ मिरर भी आपको मिल जाएगा, इसमें बड़ी किट भी थी और छोटी भी थी, मैंने ये छोटी चूज़ की है। अगर आपके पास स्पेस कम हो आपके ब्यूटी बॉक्स में तो आप लोग छोटी ले सकते हो, और अगर आपके पास स्पेस खुली हो तो आप बड़ी भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। और बाकी जी आपके ब्यूटी बॉक्स में कंघा और शीशा होना तो कंपलसरी है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर देते हैं जी साइड पर। अब आ जाते हैं जी स्किन केयर पर। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सोप, जो कि हमारी वैनिटी पर या ड्रेसिंग टेबल पर लाजमी होता है, और उसके बाद आ जाता है जी फेस वॉश, ये भी हमारे वॉशरूम में लाजमी होता है। इसके बाद आ जाता है कोई भी मतलब समझ रहे हो ना अंडरआर्म के लिए, ये ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना, गर्मी हो या सर्दी हो इसको लाजमी अप्लाई मतलब रखिए अपने वैनिटी में। और इसके बाद आ जाता है जी पेस्ट और ब्रश, ये भी कंपलसरी है, क्योंकि अभी अभी मैंने रिसेंटली अपने भाई की जो ब्यूटी बॉक्स था वो बनाया था, ब्राइडल किट बनाई थी उसके, तो मैंने ये सारी चीज़ें रखी थी तो मुझे रिसेंटली अभी सारी चीज़ें याद है अच्छे तरीके से। उसके बाद आते हैं शैम्पू, वो आप लोगों ने रखना है स्किप करना है वो आपकी अपनी च्वाइस है। ऑयल अगर आप रखना चाहें तो रखा जा सकता है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कोई भी मसला नहीं है, मतलब अगर ससुराल में जा रहे हैं तो सरसों का तेल तो मिल ही जाएगा और कुछ ना मिला तो सही है। तो बाकी आ जाती है जी फिर फेयर एंड लवली, ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी लोकल मार्केट से ये लेना पसंद किया जाता है तो फिर मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर मिस रोज़ की लिप बाम, बड़ी ही क्यूट सी लग रही थी मुझे, मैंने ये ले ली। आप इसकी जगह कोई और भी चीज़ ले सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ऑयल भी अपने होठों पर लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी। फिर आ जाती है जी वैसलीन बॉडी, ये लोशन है, इसे आप बॉडी पर भी लगा सकते हो, फेस पर भी लगा सकते हो। ये पिंक वाला मैंने इसलिए लिया कि ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग देता है और ये मुझे अच्छा लगता है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद आप पाउडर लाजमी रखिए और पाउडर जो है ना वो यूज़ करें, गर्मी है तो फिर तो कंपलसरी है ये, और अगर नहीं सर्दी चल रही है तो फिर परफ्यूम वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है, वो आपकी अपनी च्वाइस है कि आपको खुशबुएं कितनी पसंद है और आप कितनी यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास कॉटन बर्ड्स, मेकअप वगैरह अगर आई मेकअप ख़राब हो जाता है या कि कुछ हो जाता है तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेकअप रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं यहाँ पर बायो एक्वा के, ये भी मुझे लोकल मार्केट से मिले थे, और ये टिशू का बॉक्स है जो कि आपकी ब्यूटी बॉक्स में भी आप लोग रख सकते हो, छोटा पैक भी लिया जा सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मेरे पास ब्लीच है, ब्लीच अक्सर लोग रखते हैं और ये रखनी भी चाहिए, जब अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो तब आप एक्सटेंशन भी रख सकते हो,
अदरवाइज ये टोटली ऑप्शनल है। इसके साथ साथ ये भी टोटली ऑप्शनल है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि मेकअप बॉक्स को जब वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो वो इन सामान के साथ साथ ये जो है ना फेशियल भी एक छोटा बॉक्स लाजमी रखते हैं जिसमें क्लिनजर, स्क्रब, मसाज, सीरम और मास्क वगैरह आ जाता है। आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे रखना चाहो तो रखा जा सकता है और अगर आप इसे स्किप करना चाहो तो किया जा सकता है। चलिए जी जल्दी से अब इस बॉक्स को हम लोग भर लेते हैं। अब हम रख लेते हैं जी हमारे पास जो चीज़ें हैं प्राइमर रखने की। अगर आपको आपकी स्किन ऑयली है तो ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम स्किप कर देंगे। इसकी जगह हम लोग लोशन रख सकते हैं, ठीक है जी। और ये चला जाता है जी अब हमारा फाउंडेशन, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। फिर आ जाते हैं जी हमारे कंसीलर, और इन दोनों की ज़रूरत है अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, और अगर आपके डार्क सर्कल्स थोड़े कम हैं या नॉर्मल है तो फिर आप एक कंसीलर से भी काम चला सकते हो। जाते हैं जी कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर के बारे में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर प्रीफर करूंगी कि आप लूज पाउडर ही रखें जबकि इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास हाइलाइटर और ब्राउजर और ब्लश ऑन वगैरह, तो उसके लिए मैं ये छोटी किट प्रीफर करूंगी ना कि बड़ी, क्योंकि इसको रखना काफी मुश्किल हो सकता है और इसमें मिरर भी नहीं है जबकि इसके साथ मिरर भी है। तो ये जाने वाली है हमारे बॉक्स के अंदर और इसको हम करने वाले हैं साइड पर, ये मस्ट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता, तो ये लाजमी रखिए। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर मस्ट है, इसको रखिए। अगर आप ब्रश के साथ ही कंफर्ट हैं और अपना जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं फाउंडेशन वगैरह तो फिर आप जो है वो ब्रश रख लीजिए और इसको स्किप करना चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन मैं दोनों को ही प्रेफर करूंगी, दोनों चीज़ें ही रखी जा सकती हैं। इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास आई शेडो पैलेट, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो यही रखी जा सकती है क्योंकि इसके अंदर शिमर भी है, मैट में भी है, वेलवेट में भी है, सारे शेड्स हमें एक ही किट में अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आप इसे स्किप कर सकते हो और इसको चूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर और इस किट को मैं कर दूंगी जी साइड पर। इसके बाद जी आईलाइनर मस्ट रखा जाएगा, आईलाइनर आपको लगाना होगा तो आप रखिए लाजमी। उसके बाद मस्कारा जो है वो मस्ट रखिए। इसके बाद वाइट और ब्लैक कलर की जो आई पेंसिल्स होती हैं उनको आप लाजमी रखिए, इंक्लूड कीजिए। ये अंडर आई मार्कर है तो इसे आप लाजमी रखिए, अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो बड़ी करके दिखाने के लिए आप इसके आंखों के अंदर अगर लगाएंगे ना मिस रोज की है ये मेरे पास, ये अफोर्डेबल है तो इसे लाजमी रखिए। ये वाले जो लिप एंड आई कलर हैं ये एपीके के हैं मेरे पास, अगर आप स्किप करना चाहें तो किया जा सकता है, या अगर आप ब्लैक या ब्राउन कोई रखना चाहें तो रखे जा सकते हैं। लिपस्टिक्स तो लाजमी रखी जाएंगी, लिपस्टिक भी रख दी हम लोगों ने और ये भी लाजमी है, मिरर भी ज़रूरी है, ठीक है जी। और इसे आप साइड पे अलग भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें मेकअप वाइप्स जो हैं वो मेकअप को रिमूव करने के लिए चाहिए होते हैं, ये लाजमी रखी है आप लोग। और इसके बाद ये ब्लीच क्रीम थी, इसे भी रख देते हैं हम लोग। इसके बाद ये फेयर एंड लवली अगर आप रखना चाहते हैं तो रखी जा सकती है, या इसकी जगह अगर आप कोई और नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो की जा सकती है, लेकिन ये लोकल थी इसलिए मैंने ले ली। और फिर ये वाले चीज़ें लाजमी हैं, ये भी ऐड कर देंगे, ये भी मस्ट है, ये भी मस्ट है। अगर आप ये रख रहे हैं ठीक है तो फिर अगर आपको ये वाला परफ्यूम, ये वाला पाउडर, ये तीनों चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, और परफ्यूम भी रखा जा सकता है। फिर आप पाउडर को स्किप कर देंगे, ये दोनों चीज़ें ही हम लोग साइड पे कर देंगे और इसे हटा देंगे यहाँ से। इसके अलावा आपको ऑयल की अगर ज़रूरत हो तो आप लोग रखिए, वरना इसको भी स्किप किया जा सकता है क्योंकि हम लोग अफोर्डेबल बना रहे हैं चीज़ों को। और शैम्पू की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप छोटी बॉटल भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे घर के लिए परचेज़ किया था तो ये इसलिए मैंने बड़ी बॉटल ली है। या अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप साशे भी रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं अगर आप। तो इसके अलावा जी आप लोग नेल पेंट की तरफ अगर जाएंगे तो ये थ्री जो शेड्स हैं इनको हम लोग रख लेंगे क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप इसे भी स्किप करना चाहें तो ये ऐड किया जा सकता है, ये थ्री शेड हम अपनी वैनिटी के अंदर डाल देंगे और साथ में हम लोगों को ज़रूरत होगी, ये दो शेड्स हम लोगों ने निकाल दिए हैं और ये ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आईलैशेज़ की, हमें अगर आप फेक आईलैशेज़ नहीं लगाती तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, अगर आप फेक नेल्स भी नहीं लगाती तो इसको भी स्किप कर देंगे। अगर इसकी ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है तो इसे रखा जा सकता है कॉटन बर्ड्स को, और अगर आपको नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फेशियल जो कि छोटी पैकेजिंग में है यहाँ पर, इसको स्किप करना चाहें तो किया जा सकता है। आईलैश कर्लर को अगर स्किप करना चाहें तो इसे भी किया जा सकता है। यहाँ पर मेरे पास बड़ा बॉक्स है टिश्यू बॉक्स का, अगर आप इसे जो है स्किप करना चाहें और इसकी जगह छोटे जो साशे होते हैं वो रखना चाहें तो वो भी ऐड किए जा सकते हैं। और ये जो लिप बाम है इसे अगर आप रखना चाहें तो रखा जा सकता है, और अगर आप ना रखना चाहें तो इसकी जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, ऑयल वगैरह, ठीक है जी। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है
और ये हो गया जी हमारा मेकअप बॉक्स जो है वो कंप्लीट। आई होप कि जी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार चाहिए आप सब लोगों का। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐड नहीं हो पाई मुझसे, क्योंकि वो मैंने उसको इन चीज़ों को तरतीब से नहीं रखा, लेकिन इसके अंदर अभी भी स्पेस बाकी है, आप लोग देख सकते हो, और हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये देखें स्पेस है अभी इसके अंदर, और भी ये जो चीज़ें मैंने बाहर रखी हैं ये भी रखी जा सकती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मैंने स्किप की हैं, वो ज़रा देख लीजिए जी। ये थे अपनी ब्राइडल किट मुकम्मल हो चुकी है, और ये जो सामान पड़ा है ये अननेसेसरी है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं साथ के साथ ही अलग करती चली गई थी, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो मैंने इस बॉक्स के अंदर ऐड कर दी हैं। बाकी जी आपकी अपनी च्वाइस है, आप अपनी लिस्ट को जितना लंबा करना चाहो कर सकते हो, कहते हैं ना जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा, ओ दुआड़ी अपनी मर्जी है। अगर नहीं तो फिर आप अपनी लिस्ट को शॉर्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर आप हाई क्वालिटी के ब्रांड्स और ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो भाई खुशी से लें, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत अता फरमाए। और अगर आप नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर उठा लेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है, और मेरी मेहनत बिल्कुल भी रागा नहीं जाएगी। हाँ जी, यहाँ पर हमारी ब्राइडल किट जो थी वो हो चुकी है मुकम्मल, और हमारी वैनिटी हो गई तैयार। आप इस वीडियो को देख कर लाजमी इंजॉय करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी भी होंगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए सभी के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ऐसा हो तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भला हो सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।